हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स जंक्शन। बच्चों, आज की क्लास में जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो मैं आज बात करने जा रहा हूं आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। और बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो आपसे बात करूंगा वो मैं आज बात करने जा रहा हूं लेंज लॉ से, राइट। तो बात को टू द पॉइंट हम बात करें कि लेंज लॉ में हम दो चीज के बारे में, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम एक तो हम फैराडे लॉ के बारे में बात करते हैं और एक हम लेंज लॉ के बारे में बात करते हैं, राइट। तो बेसिकली होता यह है कि फैराडे लॉ हमें क्या देता है, मैग्नीट्यूड, और लेंज लॉ हमें क्या देता है, डायरेक्शन, राइट। तो जो भी हम आज बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्वेश्चन लेंज लॉ के ऊपर, जो अक्सर हमसे ये सवाल पूछे जाते हैं इससे, राइट। तो आइए बच्चों, सबसे पहली बात जो हम आपसे बात कर रहे हैं, लेंज लॉ का काम क्या होता है। ये हमेशा अपने जो चेंज इसमें आता है उसका वो हमेशा क्या करता है, अपोज करता है, राइट। अब चेंज किसमें आता है भाई, तो ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आपके पास जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, जो हम ईएमएफ क्या है, एक वोल्टेज है, पोटेंशियल है, राइट, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। जब फ्लक्स में चेंज आता है तभी तुम्हारे पास क्या होता है, ईएमएफ में इंड्यूस्ड होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, राइट। तो उसके चेंज का क्या करता है, ये अपोज करता है। तो अपोज कैसे करेगा, जाहिर सी बात है। तो मेरे ये कहने का मतलब कि अगर वो बढ़ेगा तो उसका वो क्या करेगा, अपोज, मतलब घटाने की कोशिश करेगा, और अगर वो घट रहा है, कम हो रहा है, तो उसको वो सपोर्ट करेगा। देखिए, टू द पॉइंट, इधर उधर की बात आप मत सोचिए, टू द पॉइंट देखिए कहना क्या चाहता है। लेंज लॉ का काम ये होता है कि अगर वहां पे चेंज आ रहा है और वो इंक्रीज हो रहा है, फील्ड लाइंस ज्यादा जा रही है, तो वो उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। और अपोज कैसे करेगा, तो जिस डायरेक्शन में भी उसका मूवमेंट होगा वो हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तभी तो वो उसका अपोज कर सकता है। और अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो उसका क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। कैसे आपको लग रहा होगा, तो आइए मैं एक बात कह रहा हूं यहां पे। सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही आसान सी चीज है। मान लीजिए कि आपके पास एक, ये आपके पास फील्ड है, राइट, ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड, राइट, और मैंने इसमें एक लूप को मैंने इंसर्ट कर दिया, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। और ये दिखाने का, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाने का मतलब है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो इंक्रीज करने का मतलब क्या हो, जरा मेरी बात को समझिए। सपोज कर लिए कि ये एक मैग्नेट है मेरा, राइट, अगर ऐसे आपको समझ में ना आए तो ऐसे समझिए, ये मैग्नेट है और ये इसका, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस मैग्नेट को इसके करीब ले जा रहा हूं, राइट। तो जब ये मैग्नेट को हम इसके करीब ले जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे ये पास जाएगा वैसे वैसे फील्ड लाइंस इससे क्या होगी, ज्यादा जाएगी, राइट, क्लियर। और दूर ले जाएंगे तो फील्ड लाइंस क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे अंदर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, तुम्हारे पास इंक्रीज कर रहा है। तो ये इसके इंक्रीजनेस, ये इंक्रीज हो रहा है, तो इसका करने, इसका काम क्या होगा, ये इसका अपोज करेगा। आर यू ओके, किसकी, अब किसका अपोज करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीजनेस को। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज कराना चाहेगा। तो डिक्रीज कराने के लिए क्या होगा, जिस डायरेक्शन में भी फील्ड लाइंस जा रही है वो हमेशा उसका क्या करेगा, अपोज। तो क्या देखिए जरा ध्यान से, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, एक करंट का फ्लो होगा, राइट। तो ये करंट का फ्लो कहां होगा, इस डायरेक्शन में, राइट। तो फील्ड आपके पास कहां मिलेगी, आउटसाइड। तो ये आपके पास डायरेक्शन इसका कैसा हो रहा है, आपके पास इसका डायरेक्शन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज की बात करें। अगर मैंने आपसे बात किया यहां पे, अगर ये आपके पास फील्ड लाइंस यहां पे आपके पास बढ़ नहीं रहा, बल्कि ये फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, घट रहा है, और यहां पे आपके पास जो फील्ड लाइंस है वो कहां निकल रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। मेरी बात समझिएगा मैं कहना क्या जा रहा हूं, फील्ड लाइंस कहां आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ये यहां पे फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा तो जाहिर सी बात है कि, और ये फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रहा है, तो ये इसका अपोज नहीं करेगा, बल्कि अब इसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, राइट। तो सपोर्ट भाई कैसे करेगा,
फील्ड लाइंस आ रही है बाहर की तरफ, राइट। लेकिन वो फील्ड लाइंस बढ़ नहीं रही बल्कि क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि इसको सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसी डायरेक्शन में आपके पास करंट को इंड्यूस्ड होना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। किस चीज के लिए? सपोर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि फील्ड यहां पे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आपके पास इस केस में आपके पास क्या हो रहा है, यहां पे करंट का डायरेक्शन आपके पास यहां पे भी कैसा हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्लियर है। अब देखिएगा जरा, मैं जो बात करने जा रहा हूं आपसे, अगर मैंने इसी में बात कर लिया आपसे कि अब फील्ड लाइंस घट नहीं रहा बल्कि क्या हो रहा है आपके पास, बढ़ रहा है, राइट। तो जो बढ़ रहा है, तो एक चीज बताओ कि पहले केस में मैंने किस केस में लिया था, ये घट रहा था, अब यहां पे फील्ड लाइंस आपके पास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। तो बढ़ रहा है तो इसका क्या करेगा, अब अपोज करेगा, क्योंकि घट रहा था तो इसने पहले के केस में क्या किया था, सपोर्ट किया था इसको। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये फील्ड लाइंस बढ़ रही है और ये डॉट दिखाने का मतलब है कि फील्ड लाइंस कहां आ रहा है, बाहर की तरफ, राइट है। तो लेंस लॉ यही कहता ना कि चेंज का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज करने का मतलब है कि ये इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, इसके चेंज को मतलब कि रोकने की कोशिश करेगा। तो ये बताओ कि आउटसाइड है तो चेंज है, तो ये कहां की तरफ डायरेक्शन होगा, इनसाइड, राइट, क्लियर। तो आपके पास इस केस में आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट आपके पास क्या होगा, आपके पास क्लॉकवाइज, लिख सकते हैं आप। ओके, अगर मैंने इस केस की बात आपसे की, ये क्रॉस, क्रॉस करने का मतलब कि फील्ड लाइंस कहां है, इनसाइड, और आपके पास यहां पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड डाउन, डाउन करने का मतलब डिक्रीज कर रहा है। जहां पे डिक्रीज करेगा क्या करने की कोशिश करोगे, सपोर्ट। जहां पे इंक्रीज कर रहा है वहां पे क्या करने की कोशिश करोगे, अपोज। बस इतना ही गेम है। और देखिएगा ये, प्लीज इस लेक्चर को आप तरीके से जरा ध्यान दीजिएगा लास्ट तक, बहुत ही आसानी से आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। अब ये बताओ मैंने क्या बोला, यहां पे डाउन, डाउन देने का मतलब क्या है कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है, और ये क्रॉस देने का मतलब क्या है, ये इनसाइड है। तो फील्ड लाइंस अगर ध्यान से देखना, इसका मतलब है कि फील्ड लाइंस अंदर तो जा रही है, लेकिन वो अंदर जो जा रही है वो इंक्रीज नहीं हो रही बल्कि डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होने का मतलब इसको सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट कैसे करेगा, ये तो फील्ड अंदर की तरफ है ही है। तो जाहिर सी बात है कि हमें जो डायरेक्शन आप दिखाएंगे करंट का, वो कहां की तरफ दिखाएंगे, ध्यान से देखिए, ये क्या दिखाता है आपके पास, फील्ड को दिखाता है, और ये जो दिखाता है ये क्या दिखाता है आपके पास, करंट को शो कराता है, राइट, क्लियर है। तो ये आपके पास करंट का डायरेक्शन आपके पास कहां होगा, इस तरफ होगा, और ये फील्ड कहां होगा, इनसाइड होगा ना, अरे ओके, क्लियर है। तो इस केस में आपके पास करंट का डायरेक्शन आपने देखा कैसा हो रहा है, यहां पे क्लॉकवाइज, ओके। ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, इस चीज का आप ख्याल रखिएगा, बस इतना ही याद रखिएगा कि हमेशा जो भी चेंज आ रहा है उसका अपोज करेगा, अगर डिक्रीज है तो इंक्रीज कराएगा, इंक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज कराएगा, बस। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, जरा मेरी बात को ध्यान से ध्यान देंगे आप, बहुत ही क्लियरिटी के साथ, अगर आपसे एक सवाल कहा जाए, बच्चों ये एक वायर है और ये करंट यहां से फ्लो कर रही है, ए टू कहां बच्चों, बी, राइट, ये करंट आपके पास है आई, ओके, और यहां पे आपने क्या किया, एक लूप है। बड़ा कॉमन सा सवाल है, बोर्ड में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा गया, पूछा ही जाता है, देखा होगा आपने। तो अब आपसे पूछेगा यहां पे डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में क्या होगा, और कौन सा डायरेक्शन आपको पता है। तो ये बताओ कि अगर करंट है और ये मैंने ऐसे कर दिया, राइट, ऐसे दिखाने का मतलब है कि करंट बढ़ रहा है, तो जब करंट बढ़ेगा तो फील्ड भी बढ़ रही है, राइट, तो फील्ड बढ़ने का मतलब है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो इसका करने का, इसको क्या करेगा, अपोज करने के काम का काम करेगा। तो ये काम करे, क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में भी करंट होगा, बायो सावर्ट्स पढ़ा आपने, उस डायरेक्शन में अपने थंब को आपने उसी डायरेक्शन में रखा, और ये जो आपके पास पाम है ये आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ फील्ड तुम्हारे पास, ये ऐसे भी देख लो, अगर ये ऐसे अगर आप करते हैं तो ये आपके पास कहां, इनसाइड, और इनसाइड, और ये यहां से जो निकलेगा तो ये कहां से निकलेगा, आउटसाइड से निकलेगा। इसका मतलब है कि इस लूप के अंदर से जो फील्ड है वो कहां है, आउटसाइड निकल रही है। तो इसका मतलब है कि ये आउटसाइड, हाँ या ना बता, बिल्कुल। ये इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है यार, करंट जब इंक्रीज करेगा तो फील्ड लाइंस भी क्या कर रही है, इंक्रीज करेगी ना। तो जाहिर सी बात है कि यहां से फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज का मतलब कहां है, इनसाइड। इसका मतलब है कि जब ये बाहर निकल रहा है तो ये बताओ ये थंब का डायरेक्शन कहां होगा, इनसाइड ना। तो जाहिर सी बात है कि ये आपके पास
करंट का जो डायरेक्शन क्या होगा जरा जल्दी बताओ, यहाँ पे क्लॉकवाइज लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? क्लियर समझ में आ रही है बात यहाँ पे? तो इसका मतलब है कि ये ऐसे देने का मतलब कहाँ है कि आपके पास ये आपके पास फील्ड लाइन से बाहर निकल रही थी और ये करंट बढ़ रहा था तो फील्ड भी बढ़ रही थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कहाँ होगा डायरेक्शन, कहाँ होगा इनसाइड, तो ये हमने क्या दिखाया क्रॉस दिखाया। अगर मैंने तुमसे इसी में कह दिया बच्चों कि अगर फील्ड तुम्हारे पास क्या कर रही हो, सॉरी करंट तुम्हारे पास क्या कर रहा हो डिक्रीज, तो जब करंट यहां पे बच्चों डिक्रीज अगर कर रहा हो, राइट, आपके पास करंट डिक्रीज कर रहा हो, ये कहां से कहां तक जा रही है, ए टू बी, राइट। फील्ड लाइंस अभी भी ध्यान से देखना, फील्ड लाइंस कहां है, अभी भी फील्ड लाइंस कहां है आउटसाइड, अभी भी फील्ड लाइंस कहां है आउटसाइड, लेकिन ये फील्ड लाइंस बढ़ नहीं रही है बच्चों, बल्कि क्या हो रही है घट रही है, राइट ना। तो ये बताओ कि अगर ये घट रहा है तो ये अपोज करेगा या सपोर्ट करेगा? ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे हमें क्या करना है, सपोर्ट करना है। तो सपोर्ट करने का मतलब क्या है कि इसका जो थंब का डायरेक्शन है वो क्या होगा, आउटवर्ड ही रहेगा। तो आपके पास इस डायरेक्शन में आपके पास करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे, ओके है। अगर आपसे बोल देता कि यहां पे करंट कैसा है आपके पास, कॉन्स्टेंट, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, तो फील्ड लाइन्स तो जाती लेकिन फील्ड लाइन्स में कोई चेंजेस नहीं आता। तो जब कोई भी फील्ड में चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब है कि फील्ड लाइंस उस लूप से तो निकल रही है बाहर की तरफ, लेकिन फील्ड लाइंस ना इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, कांस्टेंट है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, याद रखिएगा अपोज किसको करता है, चेंज को करता है, राइट। लेकिन यहां पे कोई चेंज नहीं आ रहा है क्योंकि आपके पास करंट क्या है, कांस्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जो निकल रही होगी वो भी कैसे निकल रही होगी, कांस्टेंट। तो कोई चेंज है ही नहीं, तो क्या कोई करंट इंड्यूस्ड होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि आपके पास यहां पे इंड्यूस्ड करंट भी आपके पास क्या होगा जो अपोज करना चाह रहा है, जीरो। क्लियर है, समझ में आई बात? ये सारी चीजें जब हम बात करते हैं वो तभी हम बात करते हैं जब चेंजेस आते हैं तब, राइट। अगर बच्चों मैंने आपसे अगर कह दिया, जरा मेरी बात को ध्यान से देखेंगे इस सवाल पे, और ये सवाल ध्यान से देखना आप, ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, राइट, आपके पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है। और मैंने क्या किया, ओके, और इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर ध्यान से देखना, ए और बी, ए और बी आपके पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, बी मैग्नेटिक फील्ड, बड़े ध्यान से देखिएगा। और ये क्या कर रहा है, बी वेलोसिटी से, मतलब कुछ स्पीड से आपके पास मूव कर रहा है, राइट। तो पहला केस है ये केस फर्स्ट, ये बच्चों केस सेकंड, और ये हम बात कर रहे हैं आपसे केस थर्ड के बारे में, ओके है ना, क्लियर। तो तीनों केस में हमसे ये पूछेगा डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब जरा बताइए मेरी बात ध्यान से देखिएगा कि फ्लक्स में चेंज तभी आ सकता है जब या तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आए, या तो एरिया में चेंज आए, या तो उसके एंगल में चेंज आए। तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से देखिएगा, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहा है, यहां पे ये रीजन में तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो कांस्टेंट है इस रीजन के अंदर, ए टू बी के अंदर। तो ये बताइएगा, पहले केस की बात कर रहे हैं कि ये लूप है और ये लूप धीरे धीरे आपके पास कहां की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो जैसे जैसे ये लूप अंदर की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसका एरिया क्या होगा, बढ़ता बढ़ता जाएगा ना, राइट। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा किसका, लूप का एरिया, रेक्टेंगुलर लूप का, तो वैसे वैसे फील्ड लाइन ज्यादा होती जाएगी, राइट। तो फील्ड लाइंस ज्यादा होने का मतलब है कि फील्ड लाइंस बढ़ रही है घट रही है, ऑब्वियस सी बात है यार, जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएगा वैसे वैसे आपके पास एरिया इंक्रीज करेगा तो फील्ड लाइंस उससे ज्यादा ज्यादा पास होती जाएगी। तो जब फील्ड लाइंस ज्यादा जाने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है इस केस में, इसके मतलब यहां पर तुम दिखाओगे कि बी अप कहने का मतलब है कि फील्ड इंक्रीज करेगा। अब ये बताओ डायरेक्शन कहां, इनसाइड या आउटसाइड, इनसाइड ना।
तो इस केस में तुमने क्या देखा है यहाँ पे, ये अपोज करेगा इंक्रीज का, तो इंक्रीज का जब ये अपोज करेगा तो यहां पे आपके पास जो डायरेक्शन आपके पास होगा इंड्यूस करंट का वो कहां होगा, राइट right? अगर ये इनसाइड है, ये कहां है, इनसाइड है, तो यहां पे ये क्या दिखाएगा, जरा जल्दी बताओ, यहां पे आउटसाइड दिखाएगा, यहां पे अपोज करने के लिए इसके अपोजिट। तो एक चीज बताओ, यहां पे करंट कैसे फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कि नहीं मूव कर रहा है, तो ये आपके पास कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। ओके एवरीवन, क्लियर, सॉरी, ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस केस की बात करो, कुछ देर के बाद अब ये फील्ड के अंदर आ गया और ये मूव तो कर रहा है, लेकिन इस केस में ये देखिएगा फील्ड लाइंस तो है आपके पास, यहां पे लूप तो है, लेकिन लूप के अंदर से लूप में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसके अंदर से जो फील्ड लाइंस जा रही है वो एक कांस्टेंट अप फील्ड लाइंस जा रही है, राइट, क्योंकि यहां पे तो अंदर की तरफ लूप आ रहा था, बढ़ रहा था, जैसे जैसे बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फील्ड लाइंस वैसे वैसे और ज्यादा जाता जाएगा, राइट। लेकिन इस केस में लूप पूरी तरह से फील्ड लाइंस के अंदर आ चुका है और अब ये पूरी फील्ड आपके पास अंदर की तरफ जा रही है, तो इस फील्ड में कहीं से कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, राइट, क्लियर है। एरिया भी यहां पे ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, इसका मतलब है कि जब फील्ड लाइंस इसके अंदर जा रही है यूनिफॉर्म से, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो यहां पे कोई भी अपोज नहीं होगा। अपोज हमेशा किसका होता है, चेंज जब आता है तब, यहां पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, राइट। आपने देखा है कि ईएमएफ कब इंड्यूस्ड होता है, जब फ्लक्स में चेंज आता है, और फ्लक्स में चेंज तभी आएगा जब या तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, या तो एरिया में चेंज आएगा, या तो एंगल में चेंज आएगा, ना ही यहां पे फील्ड में चेंज आया, ना ही एरिया में चेंज आ रहा, और ना ही एंगल में, राइट। तो कहने का मतलब है कि आपके पास यहां पे फ्लक्स कांस्टेंट है, तो जब फ्लक्स ही कांस्टेंट है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और क्या होगा, जीरो, मतलब कि तो इंड्यूस्ड करंट भी यहां पे क्या है आपके पास, तो यहां पे कोई भी अपोज नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पे ये कैसा है, कांस्टेंट है। इतनी बात आपको एकदम क्लियर अच्छे से होनी चाहिए। अब बताओ इस केस के बारे में, यहां से फील्ड लाइन, सॉरी, यहां से जो लूप है वो कहां जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो बाहर की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अब लूप का एरिया चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ यार, राइट। तो जाहिर सी बात है आगे बाहर की तरफ निकलेगा तो इसका एरिया धीरे धीरे कम होता जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यार, कम तो होगा, तो जैसे जैसे कम होगा तो इसके अंदर से फील्ड लाइन भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। पहले ये आगे गया, आगे गया, आगे गया, आगे गया, धीरे धीरे आपके पास फील्ड क्या हो रहा है, यहां से ये अंदर की तरफ आ रही थी तो फील्ड एरिया बढ़ रहा था तो फील्ड लाइंस भी ज्यादा थी, यहां से ये निकल रहा है तो धीरे धीरे एरिया भी कम हो रहा, तो फील्ड लाइंस भी इससे भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब ये फील्ड लाइंस इससे कम होगी, जाहिर सी बात है फील्ड लाइंस जब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये अपोज नहीं बल्कि क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट कैसे करेगा, जरा ध्यान से देखना, इसमें फील्ड लाइंस कहां जा रही है, इनसाइड, राइट, कम हो रहा है क्योंकि एरिया कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसका सपोज होगा या सपोर्ट होगा या अपोज होगा, ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट होगा ना। तो क्या करोगे यहां पे, उसी डायरेक्शन में, जरा ध्यान से देखिएगा, उसी डायरेक्शन में आप, ठीक है, थंब को रखेंगे, तो आपके पास इस केस में आपने देखा आपके पास जो करंट का जो डायरेक्शन आपके पास है वो कैसा होना चाहिए आपके पास, यहां पे ये, तो यहां पे क्लॉकवाइज, और यहां पे जो हम बात करेंगे कैसा होगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज के बारे में हम बात करेंगे। ओके, आइए मैं आपसे नेक्स्ट सवाल के बारे में बस कुछ बात करूं और तरीके से, अगर जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये ऐसा सवाल, ये एक लूप है, राइट, और ये लूप में मैंने ये दिखाया है कि इसमें आपके पास आई करंट फ्लो कर रहा है, और ये करंट जो है आई वो क्या कर रहा है बताओगे, ये इंक्रीज कर रहा है, राइट, और इसी करंट में जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक लूप है और इस लूप के सामने एक और लूप छोटा सा रख दिया गया, राइट, क्लियर आनी चाहिए बात आपको समझ में, राइट ना। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में ऐसे दिखाया गया है, राइट, तो कह रहा है कि आपके पास इसमें कितना करंट, इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात पूछ रहा है, जो क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, करंट जो होता है, जो डायरेक्शन दिखाता है वो क्या दिखाता है, या तो अपोज या तो सपोर्ट, इंक्रीज तो अपोज और डिक्रीज तो सपोर्ट, बस इतनी ही बात कीजिएगा। आप कोई भी क्वेश्चन को उठा के देखिएगा, सारा गेम ही इसी पे,
तो ये बहुत सारे बच्चे कॉन्सेंट्रिक सर्कल समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये आपके पास एक लूप है ये, और एक लूप ये है, और ये लूप समझिए कि इस लूप के सामने ऐसे रखा हुआ है, राइट। क्लियर, समझ में आई बात है आपको? तो अब आप मेरी बात को जरा गौर से देखिएगा कि अगर ये करंट इंक्रीज कर रहा है, तो पहले तो तुम क्या देखोगे यहां पे, जिस डायरेक्शन में करंट होता है अपने फिंगर को कर्ल वैसे ही कर लेते हैं। तो ये बताओ कि ये जो थंब का डायरेक्शन है वो कहां है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं, पहले बताओ। है, तो इससे ये पता चला कि फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कहां है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो कि इस लूप से होते हुए निकल रहा है, हाँ या ना, राइट, छोटे वाले लूप से होते हुए बाहर निकलेगा, क्लियर है। लेकिन वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, करंट जब इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा ना। तो ये बताओ कि यहां पे इसमें जो फील्ड लाइंस है वो कैसी है, डॉट दिखाने का मतलब क्या है, आउट साइड, क्लियर, बढ़ रहा है या घट रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे भी फील्ड लाइंस इसमें से जो निकल रही है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका सपोर्ट नहीं बल्कि क्या होगा, अपोज, और अपोज क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में बात करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आपके पास इसमें जो करंट आपके पास फ्लो करेगा वो इधर, और इसके अंदर आपके पास ये क्या लिखेंगे आप, क्रॉस। क्रॉस कहने का मतलब कि आपने करंट के डायरेक्शन को कहां दिखाया है, इसके ऑपोजिट, क्लियर है। तो ये आपके पास कैसा जा रहा है यहां पे, ये कैसा गया आपके पास, ये आपके पास गया क्लॉकवाइज, के बारे में हमने बात किया आपसे। ओके एवरीवन, अगर आपसे उल्टा होता ये करंट डिक्रीज करता, जा तो रहा था आपके पास ऑट, अभी भी जाएगा ये ऑट ही, राइट ना, लेकिन यहां पे क्या हो रहा था, डिक्रीज। तो डिक्रीज करेगा तो क्या करोगे, सपोर्ट करेगा यार, सपोर्ट करोगे तो क्या करोगे, ये डायरेक्शन क्या करेंगे, इसी डायरेक्शन में और लगाएंगे यहां पे आउटवर्ड। तो यहां पे आपके पास इस डायरेक्शन में, और करंट का डायरेक्शन आपके पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा आपके पास, एंटी क्लॉकवाइज। ओके एवरीवन, अगर आइए मैं आपसे नेक्स्ट सवाल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, और इसी में क्या देता सेम क्वेश्चन में, इससे पहले जो बताया मिटाया भी मैंने आपसे, कि करंट कांस्टेंट होता तो करंट कांस्टेंट होता तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट होता, कोई चेंजेस नहीं तो आपके पास यहां पे कोई भी डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में बात ही नहीं करेंगे, मतलब आई यहां पे क्या होगा, जीरो होगा। ओके एवरीवन, चलिए अगर मैं आपसे बात करूं इसके बारे में, ओके, और देखोगे जरा ध्यान से, अभी एक आपके पास लूप है, राइट, और उसमें आपके पास कह रहा कि करंट आपके पास ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट। अभी आपसे देखना है कि करंट इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, ये आप खुद देख रहे हैं, या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज, मैंने यहां मान लिया डिक्रीज। अभी इससे पहले वाले केस में मैंने बात किया था कि ये जो लूप है, ये जो बड़ा लूप है उसी के सामने एक छोटा सा लूप मैंने रख दिया, तब आप बताइए कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट, लेकिन अब इसी लूप को मैंने यहां पर रख दिया, आर यू ओके एवरीवन, तब आप बताइए इसकी वजह से इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो आप खुद बताइए, ये डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है तो इस करंट की वजह से इसमें फील्ड का इफेक्ट क्या होगा। पहली चीज तो आपने ये समझ लिया कि सर करंट ऑलरेडी डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करेगा, डिक्रीज ही तो करेगा यार, बिल्कुल करेगा डिक्रीज, ठीक है। तो इस चीज को कैसे आप लेते हैं, इसको देखिएगा, यहां पर करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जब करंट ये मूव करेगा तो देखिएगा आप जरा ध्यान से, इसमें आपने कर्ल किया, राइट, जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है ये कर्ल किया, तो फील्ड लाइंस क्या हो रही है, फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी और यहां से होते हुए कहां जाएगी, इसके अंदर, देखिए अगर ध्यान से, यहां से आई, यहां पे आई और इसके अंदर, करंट कैसे मूव करता है, ऐसे फील्ड लाइंस, राइट, ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो जाहिर सी बात है ये क्या दे रहा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो फील्ड यहां से निकली और यहां से होते हुए इसमें गई, राइट है, समझ आ रही बात यहां पे। इसका मतलब है कि यहां पे फील्ड आपके पास कैसी हुई, जरा जल्दी बताइए, क्रॉस, कंफ्यूजन। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो एक काम और कर सकते हैं, एक स्मॉल पोर्शन कंसीडर कर लो इसका, राइट, कर लिया, करंट तो यहां से भी जा रही होगी, तो बायो सावर्ट्स लॉ यूज करो, तो करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो जिस डायरेक्शन में जा रही है आप थंब के डायरेक्शन को उस तरफ करेंगे, बिल्कुल करेंगे यार, और देखोगे यहां पे कि जब थंब के डायरेक्शन के ऊपर करेंगे तो ये जो पाम है वो कहां है, अंदर है या बाहर है, ऑब्वियस सी बात है यार अंदर है, तो इसमें फील्ड आपके पास कैसा दिखा रहे हैं, इनसाइड, राइट ना। अब ये करंट, सॉरी, इसमें फील्ड लाइंस जो जा रही है वो कैसी जा रही है, इंक्रीज या डिक्रीज, यहां देख लो ना, करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो फील्ड लाइंस क्या कर रही है, भी डिक्रीज, तो जब डिक्रीज कर रही है तो उसका सपोर्ट या अपोज, ऑब्वियस सी बात है सपोर्ट, अगर ये इनसाइड है तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, इनसाइड ही रखना पड़ेगा, इसका मतलब है
अरे ओके क्लियर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि इस केस में आपने क्या देखा है, यहाँ पे डायरेक्शन आपके पास कैसा हो रहा है इसका, क्लॉक वाइज के बारे में हम बात करें। ओके है एवरीवन, आ रही बात समझ? उल्टा है करंट अगर आपके पास इंक्रीज करता तो जाहिर सी बात है कि ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता, अगर ये क्लॉक वाइज है तो क्या होता, एंटी क्लॉक वाइज होता। ये डॉट, ये क्रॉस था तो यहां क्या करते आप, डॉट कर देते। ओके है? तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसान तरीके से समझने की चीज है। इस तरह के क्वेश्चन वगैरह देख करके बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये सारा क्वेश्चन देखो और खत्म कहानी। अगर मैं आपसे एक सवाल ऐसे कर दूं, ये भी एक लूप है भाई, और यहां पे फील्ड है आपके पास, यहां पे भी आउटवर्ड है राइट, और ये एक इसकी रेडियस मैंने कितनी मानी आर, ठीक है भैया समझ आ रही बात, और यहां पे कह रहा है आपके पास कि आर इस लूप की जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रही है। लूप की रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज। इसका मतलब क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा कि रेडियस पहले तो आर थी, फील्ड लाइंस कहां निकल रही है, बाहर की तरफ राइट, डॉट दिखाने का मतलब यही है। तो आर बढ़ने का मतलब है कि एरिया बढ़ रहा है, और जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड लाइंस भी ज्यादा जाएगी, मतलब कि फील्ड लाइंस में चेंजेस आ रही है। इसका मतलब है कि ये इंक्रीज कर रहा है तो इसके अपोज इसका क्या करेगा, अपोज करेगा राइट, इंक्रीज का अपोज। तो सिंपल सी बात है ना, सारी चीजें यही है। तो अगर ये फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही है और रेडियस यहां पे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो जब डॉट है इसका मतलब है कि फील्ड लाइंस आउटवर्ड है, और ये आउटवर्ड होने का मतलब है कि बी क्या करेगा, बोलो ना यार, यहां से इंक्रीज करेगा ना, इंक्रीज करेगा तो तुमको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब है कि अपोज, अपोज कैसे करोगे जरा फरमाइएगा। इस डायरेक्शन में बात करेंगे क्योंकि फील्ड कहां है, इस डायरेक्शन में, और जाहिर सी बात है कि ये बाहर आ रहा है तो आने का अपोज क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे ना, इस डायरेक्शन में। सिंपली एक ही लफ्ज बार बार कर रहे, लेंज लॉ का मतलब है इंक्रीज तो अपोज, डिक्रीज तो सपोर्ट, ठीक है। तो ये बताओ इस डायरेक्शन में आपके पास ये मूव करेगा कि नहीं मूव करेगा, क्लियर। तो ये आपके पास कैसा हो रहा है यहां पे, जरा फरमाएंगे आप, क्लॉकवाइज की बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ओके। और अगर तुम्हारे पास, छोटी सी बात, अगर तुम्हारे पास ये क्रॉस होता, अगर ये तुम्हारे पास क्रॉस होता तो जाहिर सी बात है ये इसका अपोजिट होता कि नहीं होता, ठीक है। अगर मैंने तुमसे ये बात की कि अगर यहां से आर डिक्रीज हो रहा है राइट, तो आर जब डिक्रीज करेगा तो भैया बी भी तो डिक्रीज करेगा, क्यों? क्योंकि अब एरिया कम 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 हो रहा है राइट, फील्ड लाइंस में चेंजेस तो आ रही है, फ्लक्स में तो चेंज आएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और करंट भी इंड्यूस्ड होगा, लेकिन करंट सॉरी जब एरिया कम होगा तो इससे पास होने वाली लाइंस भी कम जाएगी राइट, फील्ड लाइंस कम हो रही है तो इसका अपोज या सपोर्ट, ऑब्वियस सी बात है यार, यहां पे क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, अरे ओके अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, जरा जल्दी बताओ। फील्ड लाइंस इससे जा तो रही है अंदर की तरफ राइट, लेकिन वो फील्ड लाइंस बढ़ नहीं रही बच्चों, बल्कि क्या हो रही है, घट रही है। तो घट रही है तो क्या करोगे, सपोर्ट करोगे ना। तो जाहिर सी बात है कि इस केस में भी आपके पास डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज की ही बात करेंगे। उम्मीद करूं आपको बातें मेरी समझ में आ रही है। चलिए मैं अगर एक नेक्स्ट सवाल के बारे में भी मैं आपसे बात करूं, तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने एक इसके बारे में बात किया, ये मेरे बच्चों ये है आपके पास राइट, और ये एक इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है और इस रीजन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और यहां से बच्चों एक मैंने क्या किया, एक सेमी सर्कुलर लूप ले लिया, आर यू ओके, और ये है मैंने ले लिया वाई, और ये मैंने बच्चों ले लिया इसको वाई डैश, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो रेडियस मैंने कितनी ली फरमाइएगा आप यहां पे, आर, और ये जो लूप है सेमी सर्कुलर लूप है ये क्या कर रहा है, अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या कर रहा है, जल्दी बताओ, यहां पे रोटेट कर रहा है राइट, ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रोटेट करेगा, ओके। तब इसमें आपसे पूछेगा डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में, मैंने क्या बताया है, फैराडे लॉ आपके पास क्या देता है, मैग्नीट्यूड, और लेंज लॉ क्या देता है आपके पास, डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो आज जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम जिस तरह से पूछ देता है, मैं छोटी सी मेरी कोशिश है मुझे आपके बताने की, तो चलिए मैं इसके बारे में भी कुछ बात करूं आपसे। ये मान लो कि पहले ये ऐसे राइट, फील्ड के
बाहर है, क्लियर। अब ये फील्ड के बाहर आप देखो ये रोटेट कर रहा है, ये धीरे 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 यहां तक तो आया। अब ये फील्ड के रीजन में नहीं है, लेकिन हम देखो ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे। तो देखो तो जैसे जैसे ये आएगा वैसे वैसे इसका लूप, मतलब कि इसे फील्ड लाइन देखो, पहले अभी फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, अब गया तो थोड़ा और गई, थोड़ा और गई, और जब ये ऐसे आ गया बच्चों, ये जब पूरी तरह से इसमें ऐसे आ गया, तो इसका मतलब है कि इसमें फील्ड लाइन इससे मैक्सिमम अब जा रही है कि नहीं जा रही है, ऑब्वियस ही बात है अब जा रही है, क्लियर है मेरी बात। इसका मतलब है कि इससे अंदर जैसे जैसे ये जा रही है, इसका मतलब है कि वैसे वैसे आपके पास फील्ड लाइन मैक्सिमम जा रही है। तो जब फील्ड लाइन मैक्सिमम जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये मैक्सिमम हो रहा है, मतलब कि जब ज्यादा जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है फील्ड लाइंस, तो जाहिर सी बात है अपोज तो करेगा ना यार। तो जब अपोज करेगा तो ये बताओ कि ये फील्ड लाइंस कहां है, अंदर है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कहां होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब ये अंदर की तरफ है तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहां होगा, जरा तो ध्यान से देखिएगा ऐसे। इसका मतलब है कि ये अंदर की तरफ जा रही, तो अपोज करना कहां, बाहर की तरफ। तो इसका मतलब है कि इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कहां होगा, जरा जल्दी बताओ, इस तरफ होगा कि नहीं होगा, राइट। और जैसे जैसे अब ये बाहर की तरफ निकलेगा, तो इससे फील्ड लाइंस क्या होगा, इससे फील्ड लाइंस क्या होगा, अब कम होता जाएगा ना, यहां के बाद अब देखोगे यहां पे अंदर था, उसके बाद ऐसे देखोगे, अब ये ऐसे 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 करके बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने का मतलब है कि फील्ड लाइंस कम, राइट ना। जो फील्ड लाइंस कम होने का मतलब इसमें क्या चाहिए, अपोज या सपोर्ट, ऑब्वियस ही बात है यार, ये पहले ही बेचारा हो गया है, कम हो रहा है, तो अब इसको किसकी जरूरत आ गई, अपोजनेस की नहीं बल्कि सपोर्ट की जरूरत आ गई, राइट। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे आपके पास सपोर्ट होने का मतलब क्या है, अभी ये ऐसे जा रहा था और अब इसमें ये क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में अंदर की तरफ चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो अगर आपके पास हम बात करें, ये आपके पास कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया आपके पास, क्लॉकवाइज की बात करेंगे। ओके बच्चों, ये इतनी बात समझ में आ रही है बात की नहीं आप, ओके। तो बच्चों ये आपसे मैंने कुछ बातें की हैं, और यार ये तो बड़ा कॉमन सा सवाल है, जानते ही हो, ये लूप है, ऊपर से एक मैग्नेट को लिया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, राइट, ये ऑलरेडी क्या है आपके पास, फिक्स्ड है, राइट। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे ये करीब आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होगी, बोलोगे बढ़ती जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जब बढ़ेगी तो क्या करेगा ये, अपोज या सपोर्ट, ऑब्वियस ही बात है यार, बढ़ रहा है, अपोज करेंगे, अपोज करने का मतलब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ। तो आपसे पूछता है कि अगर इसको हम हटा देते हैं और किसी मैग्नेट को छोड़ते तो क्या करता, फ्री फॉल गिरता ना, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब अगर ये नहीं होता तो ये ए कितने के बराबर होता, बोलो यहां पे, ग्रेविटी के बराबर तो होता, लेकिन चूंकि ये लूप को हम ले आए हैं, और जैसे जैसे ये लूप के करीब आएगा फील्ड लाइंस तो बढ़ेगा, और जब फील्ड लाइंस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो पहले अगर यहां पे ये नहीं होता तब तो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी मतलब कि फ्री फॉल होता, जी से गिरता, हाँ यार, लेकिन क्या अभी भी ये लूप से गुजरते हुए क्या जी ही से गिरेगा, या जी से ज्यादा गिरेगा, या जी से कम से गिरेगा। तो ऑब्वियस सी बात है इसके मोशन का क्या होगा, अपोज होगा, या मोशन का अपोज होगा, तो जाहिर सी बात है कि जो फ्री फॉल से गिर रहा था उससे इसकी वैल्यू पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं आप ए लेस देन जी की बात करेंगे, ओके क्लियर। तो बच्चों एक छोटी सी कोशिश थी मेरी आप लोगों को एक लेंस लॉ के बारे में बताने की, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। थैंक यू एवरीवन।